में गलत ना समझे, मगर ऐसा कोई अंदर से आवाजें दोस्तों मोरी वो पीछे हट गई। ओ भाई खिड़की में ये क्या चीज है यार दोस्तों। हवा देखो दोस्तों, हवा तेज हो चुकी है कसम से। वो देखो जहाँ मैंने आपको बताया था वो ट्रेन भी चल रही है, वो वहाँ पे हो जा रही है। ओ भाई वो क्या चीज थी यार, रूम में मंदिर के पास आ गया दोस्तों, वहाँ पे थोड़ी सी सेफ्टी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द आरजे ब्लॉग पर। हाजिर है आपका भाई रासे फिर से एक न्यू लोकेशन के साथ में। आगे बताने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं दोस्तों कि आज आपका भाई आया है यहां पर बिल्कुल अकेला, ठीक है। पूरी लोकेशन मैं खुद अकेले विजिट करने वाला हूँ और यहाँ की जो स्टोरी है, जो कहानी है, अगर वो मैं आपको बताऊँगा तो कसम से आपके खुद के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ही रिक्वेस्ट है आपके भाई की कि यार वीडियो को स्किप मत करना, अगर प्ले कर दिया है तो पूरी वॉच करनी है, और जो आपको लगे नीचे कमेंट बॉक्स में जाके वो कमेंट जरूर टाइप करना है। कहानी यूँ है दोस्तों, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर था एक रेलवे ट्रैक और अभी भी है, वहाँ पे एक फैमिली रहती थी, एक हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे उनके। लेकिन शायद वो या तो किसी आदिवासी समाज से या किसी लुहार समाज से, पता नहीं कौन से समाज से थे, ये तो एग्जैक्ट मुझे अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन वो टेंट में रहते थे, पक्के मकान में नहीं रहते थे। हस्बैंड काम पे गया हुआ था, कुछ शराबी लोग, लगभग 4 से 5 लोगों का ग्रुप था, इसी कच्चे रस्ते थे, शराब पी के वो आगे बढ़ रहे थे। जब उस घर के पास पहुँचे उनको वो महिला दिखाई थी, उनकी नीयत खराब हुई, नशे में इतने दूर थे कि उनको ये तक नहीं पता था कि एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रहे थे वो शायद, ये कंडीशन थी उनकी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग तक भी उनका नशा उतरा नहीं था जब उन्होंने कांड कर दिया। उस औरत से वो बदसलूकी करने लगे, कभी पानी की बोतल मांग रहे उसके घर के बाहर खड़े होके, कभी खाने पीने की चीज़ें मांग रहे, ऐसे करते करते जब वो उस औरत ने देखा कि ये है शराबी, वो शायद कुछ अपने साथ कर भी कर सकते, अपने यहाँ पर सिर्फ अपने 2 बच्चे और मैं अकेले, उसने जैसे गेट बंद करने की कोशिश करी उन शराबियों ने ज़बरदस्ती चपट्टा मार के उस औरत को घसीटते लाते हुए अपने गाड़ी में डाल के, मेरे जस्ट पीछे एक जगह दिख रही होगी, एक रूम बना हुआ है, एक मकान खंडर में तब्दील हो रखा है, वहाँ पे लाके बारी बारी से उन हरामियों ने उस महिला के साथ बलात्कार करा। इतना करने के बाद भी उन कुत्तों का मन नहीं भराना, और यहाँ पे लाने का रीज़न था दोस्तों कि यहीं पे थोड़ी दूर कुछ कदम आगे चलने के बाद में है, ट्रैफिक के शोर की वजह से उस औरत के चिल्लाने की आवाज़ किसी और को ना आए, इस वजह से वो यहाँ लेके आए थे। यहाँ पे लाके बलात्कार करा, फिर उसको तड़पा तड़पा के गला दबा के मार दिया, फिर उसके बाद भी लाश को ठिकाने लगाने के लिए यहाँ पे कुआ है पेड़ के पास में, उस कुएं में डाल दिया था। तब से कहते हैं दोस्तों के इसी जगह पर वो औरत घूमती हुई रोती हुई चिल्लाती हुई नजर आती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि उन कुत्तों का क्या हुआ, तो जैसे ही वो यहाँ से निकले ना दोस्तों, उसको मार मुरा के कुएं में डाल के, CCTV लगा हुआ था वहाँ पे, उनकी गाड़ी का नंबर, उन चारों कुत्तों की फ़ोटोएँ रिकॉर्ड हो गई थी, शायद उनको सज़ा भी मिल चुकी है, अभी वो जेल में होंगे। लेकिन कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से बाद में, कि ये जगह हॉरर प्लेस से बनी जहाँ वो हस्बैंड वाइफ रहते थे, उसकी मौत के बाद घर के मुखिया को वो नहीं दिखाई देने लगे, वो के बाद उनको अपने साथ यहाँ तक लेके भी आई और यहाँ पे दिखाई भी दी। और जो लोग इस रोड का यूज करते हैं डायरेक्टली शॉर्टकट जाने के लिए, उनको भी वो औरत दिखाई देती है। एक दिलचस्प बात ये है यहाँ की, हैरान कर देने वाली, कि यार इस जगह पे एक मंदिर की स्थापना भी करी हुई है,
कि वो यहाँ से आने वाले लोगों को नुकसान ना पहुँचाए। उसकी वजह ये है कि लोग क्या इस रास्ते का रोड देख लो इसलिए यूज करते हैं, अगर वो फिर से जाए तो लगभग 6-7 किलोमीटर का राउंड होता है और ये रेलवे लाइन के नीचे से डायरेक्ट शॉर्ट कट जाता है। लोकेशन इतनी भयंकर है दोस्तों कि मैं खुद यहाँ पे अकेला पहली बार विजिट करने आया हूँ। वीडियो पूरी वॉच करना, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, या मुझे अगेन दोबारा इस लोकेशन को विजिट करनी चाहिए या नहीं, आप कुछ कमेंट करके बताना। अगर आपको आवाज़ क्लियरली ना आ रही हो तो प्लीज़ हेडफोन ज़रूर यूज करना वीडियो वॉच करने से पहले। तो चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हमें या कैमरे में रिकॉर्ड होती हुई दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, और जो भी आपकी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर। दोस्तों लोकेशन पे चलते हैं, ये यहाँ पे दीवार है और थोड़ी सी शायद ट्रैफिक की आवाज़ आए, यार ईयरफोन ज़रूर लगा लेना। रास्ता इस तरफ से रास्ता है। दोस्तों यकीन मानो ना, एक बात शेयर करना चाहूँगा कि वो शायद मंदिर है जिसके बारे में मैंने यहाँ आने से पहले सुना था। ये वो रूम है दोस्तों अंदर की तरफ, और यहाँ पे ये देखो, ये कोई बैरूजी वगैरह का मंदिर बना रखा है इसी चीज़ के लिए, और कुआ भी है अंदर, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, का कभी भी ऐसी लोकेशनों पे पहुंचते हैं ना, कसम से डर लगता है भाई साहब, हर किसी को लगता है। उसकी वजह ये है कि एक हवा का झोंका भी आता है ना, नीचे कांटे वाटे हो रखे, हवा का झोंका भी आता है ना, पूरा वीरान पड़ा है। और यहाँ पे वो कुआ है वो भी देखना है, वो मेन गेट उस तरफ है, पूरा ग्राउंड खाली पड़ा है। बिना देर करे एक बार अंदर चलते हैं। और इस तरफ क्या है, टैंक वैंक बना हुआ है शायद पानी का। ये वो रूम है दोस्तों, ये देखो, यहाँ पे उस औरत को लाया गया था, और कंडीशन कितनी ख़राब है वो आप देख लो। खिड़की बंद हुई थी शायद, हो सकता है हवा से बंद हुई है दोस्तों, कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। गेट में मूवमेंट हुई है, क्या कोई है यहाँ पे क्या? मेरे भाई 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 भाई, गेट में मूवमेंट हुई है दोस्तों, कसम से, माँ कसम। पहले आपको मैं लोकेशन दिखाता हूँ, ये इस तरफ पता नहीं क्या बना हुआ है। भाई भाई भाई, वो ये गेट उस तरफ भी है। कुछ भी कहो दोस्तों, मेरे को खुद को एक अजीब सी वाइब्स आ रही है यहाँ पे, यार कुछ तो गलत है इस जगह पे। देखो पूरा चौक बना हुआ है, हालत इतनी हो चुकी है कि पेड़ उगाए हैं यहाँ पे। बार अंदर चलते हैं, ये पीछे की जगह है दोस्तों। देख लो उस तरफ है, उस तरफ चल के मैं आपको दिखा दूं। अगर यहाँ पे कोई मौजूद है और मुझे सुन पा रहे हो तो क्या आप मेरे सामने आ सकते हो? ऐसे लगा यार अंदर से किसी ने धक्का दिया है पीछे से। दोस्तों हालत तो इसकी बहुत भयंकर वाली हो रखी है। एक मिनट,
अंदर वाले रूम में से किसी की आवाज है। कुछ समझ में नहीं, अभी तक समझ में नहीं आ रहा यार। देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। क्या आप एक बार के लिए मेरे सामने मौजूद हो सकते हो? दोस्तों अंदर से किसी के रोने की आवाज है। ओ भाई, ओ वो क्या था यार, वाह। दोस्तों वापस चल के देखना पड़ेगा, कोई तो चीज थी जो मुझे नजर आई थी। वाह, इसी जगह कोई खड़ी थी। देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अगर सामने आते हो, गेट बंद हुआ है कसम से दोस्तों, हवा भी तेज हो चुकी है। ओ तेरी भाई, देखो अगर आप चाहते हो मैं यहाँ से जाऊँ तो आप मेरे सामने हो, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानने आया हूँ, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। प्लीज आप हमें गलत ना समझे, मेरा ऐसा कोई अंदर से आवाज है। इसको वो खिड़की में दोस्तों बोरी, वो पीछे हट गई। वो भाई इस खिड़की में, वो भाई वो ये क्या चीज है यार दोस्तों। वो गए भाई, दोस्तों हवा भी तेज हो चुकी है। बजरंग बली, भाई क्या था, उस खिड़की में कोई तो था। देखो अगर आपको मेरा आना यहाँ पसंद नहीं आया, मैं यहाँ से पीछे हटने को तैयार हूँ, आप मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। भाई ए बजरंग बली रक्षा करना। वो गेट खुला है, कोई तो इसके पीछे कोई ना कोई है। देखो मैं यहां से निकल रहा हूं, अगर भाई भाई ये क्या, ओ भाई ओ माँ कसम, वहां कोई था, कोई तो चीज थी। जय श्री राम। दोस्तों यार मैं बिना सेफ्टी के यहाँ पे आया हूँ, जल्दीबाजी के चक्कर में मैं माला घर पे भूल के आ गया था। गेट के सामने किसी के बाल उड़े थे, शोरूम है 100%। वो क्या चीज थी यार, पूरा सन्नाटा हो चुका है दोस्तों। एक बार उस रूम में जाके देखते हैं, शायद कोई चीज पीछे की तरफ नजर आए। ये खिड़की बंद हुई थी कसम से दोस्तों, यहाँ पे देखा था मैंने एक बार तो उसको, और दूसरी दफा फर्स्ट टाइम आते ही इस गेट के पास दिखी थी। ये गेट पता नहीं कहाँ जाता है, इसका रास्ता कहाँ है, अभी लास्ट टाइम इस गेट में दिखी थी। एक बार दोस्तों बाहर चल के आता हूँ मैं।
अगर आप यहाँ मौजूद हो तो मुझे कोई इशारा दे सकते हो, फिर से कोई बाहर से आवाज़ है। बजरंगबली मेरी रक्षा करना। दोस्तों आप कहते हो अकेले जाया करो अकेले, लेकिन अकेले जाने में कितनी रिस्क है मैं आपको बताता हूँ। बाहर गेट की आवाज़ आई थी, अंदर तो नहीं है कोई। रूम में कोई था? मेरी हिम्मत नहीं हो रही दोस्तों, कसम से, कसम खा के कह रहा हूँ, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। शायद ट्रेन की आवाज है। हवा देखो दोस्तों, हवा तेज हो चुकी है कसम से। वो देखो वो रेलवे ट्रैक है उस तरफ, जहाँ मैंने आपको बताया था वो ट्रेन गुजर रही है, वो वहाँ पे वो जा रही है। ओ भाई वो क्या चीज़ थी यार, रूम में मंदिर के पास आ गया दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी सेफ्टी है। ट्रेन गई, वो देखो वो जा रही है। मैं दोस्तों यहाँ से निकलता हूँ यार, पहले ऐसे निकलते हैं यार दोस्तों, हवा तेज हो रही है, अगर ज़्यादा मैं रिस्क लूँगा तो शायद कोई नुकसान हो सकता है। ये सामने वो रेलवे ट्रैक है जहाँ पे अभी ट्रेन निकली थी, और ये मंदिर, और ये वो कुआं है जहाँ पे उसको फेंका था, बट शायद इसके करीब जाना भी अभी रिस्क हो जाएगा, इसलिए फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं और माला लेके ही आएंगे। मैं बाहर जाके बात करता हूँ आपसे, फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों कसम से कह रहा हूँ हिम्मत नहीं वहाँ अंदर रुकने की, तो बाउंड्री से बाहर आ चुका हूँ। अभी भी अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आ रही है किसी लेडी की, कि शायद कोई ज़बरदस्ती कर रहा हो उसके साथ वैसे। और मेरे दिल ने गवाही नहीं दी कि मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं इतनी दूर आया था जल्दीबाजी में, कैमरे वगैरह स्टैंड वगैरह लेने के चक्कर में मैं माला लेना भूल गया था। और लगभग 100-150 किलोमीटर आने के बाद जब मैं एक होटल पर रुका चाय पीने के लिए, तब मैंने अपने गैजेट्स देखे कि क्या क्या सामान है, तब याद आया कि यार माला लेके आना मिस हो गया। इसलिए यहाँ खतरा मोल लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी ऐसी होती है दोस्तों, ये नहीं देखती कि सामने कौन है, उनको सिर्फ वो हादसा याद रहता है। इस वजह से माफ़ी चाहता है आपका भाई कि यहाँ पर आया। फिलहाल आज के लिए इतना ही, जय श्री राम। मैं यहाँ से निकलता हूँ और मिलते हैं बहुत जल्दी वापस से, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना। शुभ रात्रि, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। चलते हैं भैया।